नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ के खास कार्यक्रम यात्रा वर्णन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध कान्हा नेशनल पार्क के खटिया गेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो राष्ट्रीय पशु बाघ और हिरण प्रजाति के दुर्लभ बारहसिंगा सहित कई जंगली जानवरों के आवास स्थान के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा उद्यान मंडला और बालाघाट जिले की सीमा में स्थित है, जो यहां आने वाले पर्यटकों को अपनी प्राकृतिक सुंदरता से आनंदित कर देता है। कान्हा नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी और तब से ही यहां पर कई लुप्तप्राय प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है। 1974 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के तहत विकसित किया गया। वर्तमान में यह पार्क 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसको दो अभयारण्य हालन और बंजर में विभाजित किया गया है। इस नेशनल पार्क को एशिया के सर्वश्रेष्ठ पार्कों में से एक माना जाता है, जिसमें बड़े स्तनधारियों की 22 प्रजातियों के साथ ही 300 से अधिक कई प्रकार के वन्य जीवों और विविध पक्षी जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की खास बात यह है कि रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक द जंगल बुक के माध्यम से दुनिया भर में यह फेमस हुआ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से 1880 में गोंडवाना अर्थात गोंडों की भूमि का हिस्सा था, जो मध्य भारत की दो प्रमुख जनजातियां गोंड और बैगाव द्वारा बसाया गया था। आज भी इन दो जनजातियों का नेशनल पार्क के बाहरी इलाकों में बड़े पैमाने पर निवास है। पार्क सैकड़ों एकड़ में फैले घास के मैदान, गड्ढे और नालों के रूप में वन्य जीवों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है। यह मुख्यतः बाघ के संरक्षण का केंद्र है, जो यहां पहुंचने वाले पर्यटकों को काफ़ी उत्साहित करता है। बाघ के अलावा पार्क में तेंदुए, जंगली बिल्लियों, जंगली कुत्तों और गिदड़ों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इस पार्क में सामान्य रूप से चित्तीदार स्तनधारी बाघ, चीतल, सांभर, बारहसिंगा, गौर, लंगूर, भौंकने वाले हिरण, जंगली सुअर, लकड़बग्गा, काला हिरण, रूड मोगोज, बैजर, इंडियन हरे, लोमड़ी पाए जाते हैं। इसके अलावा पक्षियों की भी कई प्रजातियां यहां पर पाई जाती है, जो पर्यटकों और फोटोग्राफरों को अपनी ओर बेहद आकर्षित करती है। मध्य प्रदेश के इस नेशनल पार्क में पाए जाने वाले पक्षियों में सारस, चैती, पिंटेल, तालाब बगुले, मोर, बटेर, राक कबूतर, पेनहास, उल्लू, किंगफिशर, फ्लाई कैचर के नाम शामिल है। अगर आप कान्हा पार्क घूमने के लिए जाने वाले हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पाए जाने वाले जानवरों को देखने का जीप सफारी सबसे अच्छा साधन है। पार्क में जीप सफारी आसानी से मिल जाती है। इस पार्क में जीप सफारी के बिना आपकी यात्रा अधूरी रह सकती है, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क बाघों को देखने के लिए भारत के सबसे खास अभयारण्यों में से एक है। अगर आप यहां जाने के बाद जीप सफारी का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको प्रति जीप के हिसाब से 2500 रुपये देने होंगे, जिसमें 6 लोग बैठ सकते हैं। जिप्सी बुक करने के लिए 2 स्लॉट है, सुबह 6 से 11 बजे और दूसरा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक। आपको बता दें कि सुबह के स्लॉट में बाघों के दिखने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर हाथियों के माध्यम से वन कर्मचारी पेट्रोलिंग भी करते दिखाई देते हैं। यदि आप कान्हा नेशनल पार्क जाने के बारे में विचार बना रहे हैं तो आपको यह पार्क अक्टूबर से जून के अंत तक खुला रहता है। अगर आप एक सुखद यात्रा का अनुभव करना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च के बीच का समय अनुकूल होता है। अप्रैल से जून के मध्य गर्मी का मौसम होता है, इसलिए इन महीनों में यहाँ जाने से परेशानी हो सकती है। कान्हा पार्क में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख गेट है। इनमें से एक बालाघाट जिले की सीमा में है, जिसे मुक्की गेट कहते हैं। वहीं दूसरा गेट मंडला जिले की सीमा में है, जो खटिया के नाम से जाना जाता है। खटिया गेट से प्रवेश करने पर आपको म्यूजियम भी देखने मिलता है। यहां पर आपको पार्क को समझने के लिए बहुत कुछ जानकारी लेकबद्ध पिक्चर्स में भी मिल जाएगी।
इसके अलावा यहाँ पर स्तनधारी वन्य प्राणियों के कंकाल और विशेषताओं का वर्णन भी बखूबी किया गया है।